शायद से अपने पे हमला हो गया है। आ जा बेटा आ जा, साले इतना तकड़ा हथियार है। चल बेटे, तो अभी हमें भाई इनके जितने बंदे हैं हमला करने आए हमारे पे रात के टाइम, इन सबको ठोकना ठाकना है ढूंढ ढूंढ के। एक तो ये आ गया एम पे हेड शॉट। आ जा बेटा आ जा। तो भाई अभी हमें यहाँ पे एक लेटर लिखा पाया था इनके राजा का, मतलब जो बंदा जिसने हमारे पे क्लाइंट पे हमला नहीं किया था 17 साल पहले, उस बंदे का भी हमें लेटर लिखा पाया था। उसने इन्हें यहाँ पे निगरानी करने के लिए भेजा था, हमला करने नहीं आए थे, बेसिकली निगरानी करने आए थे। बस हमें पता लग गया मतलब इससे पहले कुछ कर पाते तो हमने मतलब इन्हें पेल पाल दिया, नहीं तो पूरी निगरानी करके हमारे इलाके की कि कितने बंदे हैं क्या है कैसे है सारी स्ट्रेटेजी का पता लगा के। भाई फिर हमारे पे हमला करता फिर से वही सीन होता है जैसा पिछली बार हुआ था, लेकिन भाई उसके बाद हमने बचा लिया। और भाई अगर हमने अब की बार हमला नहीं कराना उस पर तो भाई फिर वो हमें नहीं छोड़ने वाला, फिर हमारे पे हमला करेगा। उससे पहले सीक्रेट से जाके बात करें, क्योंकि भाई राजा तो ऐसे ही है मतलब हमला हमला करेगा नहीं, वो कहेगा ना क्या सही टाइम का इंतजार करो, लेकिन भाई अभी सही टाइम है, अभी नहीं तो भाई फिर वो लोग हमें पेल पाल देंगे। तो भाई अभी जब हम इन्हें बताने आए थे इस चीज़ के बारे में, तो ये भी इस बारे में बात कर रहा था सीक्रेट भी राजा से कि मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, जब तक हमें नहीं ठोकने ठाकने के तब तक कुछ नहीं होने वाला ढंग का। लेकिन जब हमने आके भी न्यूज़ दे दी कि वो हमारे इलाके में उन्होंने घुसपैठ करी और मतलब ये देखने के लिए कि हमारा क्या क्या हिसाब किताब है, कैसे बंदे बंदे हैं हमारे यहाँ, इन सब चीज़ों के लिए कुछ बंदों को भेजा था लेकिन हमने उन्हें पेल पाल दिया। तो ये जो दो आए थे हिडन वंस वाले, इनमें से हमने कही थी कि हम इलाके को सर्च करेंगे, लेकिन इसने मतलब अपना जो चेला है एक गुरु एक चेला है, तो इसने अपने चेले को कह दिया कि ये इलाका देख लेगा और हम तीनों जा रहे हैं उन पर हमला करने। तो ठीक है चलते हैं, राजा ने कह दी कि मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, लेकिन मतलब मैं तुम्हें ऐसा करने तो नहीं देने का, लेकिन रोकूंगा भी नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं है चीज़ लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। और अभी हम हमला करने जा रहे हैं, और इसने ये कही राजा ने कि मतलब तुम मेल लोंडे को ऐसे मतलब जैसे हम इस चीज़ का पीछा करते आ रहे हैं ना, उस स्ट्रोम में मेरे बेटे को मत गिरना जिस स्ट्रोम में तुम हो। और भाई बज गया युद्ध का बिगुल। चलें भाई, और भाई जैसे तुम्हारे भाई ने मतलब खजाने वजाने लूटे थे, तो अब ये भलाल देव वाली गदा मिल गई, इससे पहल देंगे सबको। तो देखो भाई एक दो में ही खत्म है बंदा, कितना भी तकड़ा हो दो में ही गया। ये तो इसने इसने ले ली, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इससे इसकी मार लो। चल भाई निकल। और भाई ये खत्म, नहीं नहीं ये तो अपने साथ ही है, और आगे चल के देखे हैं। अरे आग लग गई, भागो 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 भागो। हेल्थ लगा ले भैया, चल जी धनुष बाण वाला ले। गया आगे चले हैं, वो देखते हैं यहाँ अभी बंदे सामने। आजा आजा खत्ता में एक वही तीन तीन रेस है। एक सेकंड उधर की साइड उधर की साइड पीछे पीछे नहीं नहीं ऊपर। अच्छा जी अर्जुन बन रहा करते हैं, चल नीचे खत्म। भाई कूदते ही दे मारा इसने एक, भाई बहुत ध्यान है इसमें भल्लाल देवी कदम है। देखो भाई ऐसा एक्सप्लोजिव भर के रखे हुए इन्होंने मटकोसों में। हो गया भाई तो दो पड़ गए थे पिक्चर। अच्छा उधर की साइड जाना है, ठीक है। उनके शिप आ रहे हैं भाई,
इस बेस को बचाना है। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले कोई एक बहुत पावरफुल राजा आया था नॉर्थ की साइड से, हम थोड़ा साउथ में रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में से आया था, जिसकी किंगडम का नाम याद नहीं कहाँ से आया था वो, लेकिन हमने कही उससे आती कि भैया तुम्हारी ज़मीन तो है नहीं, लेकिन तो फिर तुम यहाँ से बचाने क्यों आए हो? तो उसने कही मैं बचाने नहीं आया, इसे मेरे से जो राजा है उसने कही थी हेल्प के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए। तो भाई राजा हमारे से इसलिए मना कर रहा था कि अभी मत लड़ो, जिससे कि वो कहीं से हेल्प का जुगाड़ कर ले। और भाई अभी थोड़ी बहुत देर में हम जाने वाले हैं उससे लड़ने, जिस बंदे से हमारी लड़ाई थी, हमने उसकी लैंड तो क्लेम कर ली काफ़ी ज़्यादा, और भाई उसे फाइनली उसे ठोकने जा रहे हैं हम। तो भाई अभी हम इस टावर के अंदर आए थे और यहाँ पे हम प्लान डिस्कस कर रहे थे कि भाई अपनी रणनीति क्या होगी, कैसे कैसे करके हम उसे मार सकते हैं आसानी से। तो भाई अभी थोड़ी सी टेंशन होगी, ये जो हिडन वंस आए थे ना वहाँ से, अपना इजिप्ट से, ये कह रहे हैं भाई जो इसमें चेला है उसे कही कि भाई ये भी मतलब उसे मारना चाहता है, क्योंकि वो टेम्पलास की साइड है, जो मतलब उसमें असैसिन्स क्रीड ब्लड लाइंस वगैरह में टेम्पलास नहीं होते थे उनकी साइड है, और भाई हम असैसिन्स की साइड हैं। तो भाई ये चाहता है कि हम उसे, मतलब हम चाहते हैं कि हम उसे मारें, वो चाहते हैं कि वो उसे मारें, लेकिन भाई अभी उसने कही है कि ठीक है अगर तुम चाहते हो तो उसे मारें तो भाई तुम मार दोगे, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरूरी ये है कि वो मरे आज। और भाई अब हम अटैक लॉन्च करने वाले हैं इनके ऊपर, ये तो आ गया यहाँ जिस हमें ठोकना है। आजा बेटा, आजा आजा। Rise, Eivor. This is not your day to die. I was. तो भाई अभी हमें ओडिन दिखे थे, उनने कही कि क्या कहते हैं, आज तुम्हारा मरने का दिन नहीं है और तुम इससे लड़ो, और ये बच गया। अब भाई बेटा आजा। ये बचा और ये भर दिया इसमें। अरे यार बच नहीं पाया, कोई नहीं। अबे अबे कहाँ लेके जा रहा है अबे साला, खड्डे से मैं गिर गया दोनों, कोई बात नहीं। जो आ गया भाई ऐसे ऐसे नहीं सब आना है। अरे इन्हें तो भाई सभी भर दिया, कोई नहीं हम ही पहन लेंगे सर। तो भाई ने तो असैसिन भी पेल दिया, और कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, भागो भागो, ये बचा ये। बच गया, चल चल चल, ये भरा इसमें एक, ये भरा दो, और अब भागो, बच गया, फिर से भागो। ये हमारा, और नहीं नहीं भगना पड़ेगा अब, बच गया बच गया बच गया, पीछे का ये गया एक, और भाई खत्म, असैसिन्स वाले ब्लेड से पेल दिया ऐसा। और ये फिर से कोई विजन दिख गया हमें शायद, और भाई सामने ओडिन है। ये मैं तुम्हें बताऊं, जो मार्वल वाले थोर ओडिन है ना, ये असली के ग्रीक गॉड्स हैं, मतलब ग्रीक सभ्यता में ऐसा मान जाता है कि ऐसे कोई भगवान है थोर ओडिन नाम से। अपने आप ही काम कर दिया इसका। इसके अंदर से लाए शायद कुछ,
तो ये मतलब ना एक विजन था इससे रिलेटेड के, मतलब जो हम इतने साल से बोझ लेके घूम रहे थे अपने ऊपर, अपने क्लैन के संबंधित, उसका विजन था ये। अरे भाई बम बरसने लग रहे हो, फंसा तो आग वाले तीर। चलो 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 चलो, तो भाई जो लोंडा था ना उसका, जो मरा है उसके लोंडे ने भाई हमला करने को कह दिया हमारे पास, लेकिन भाई देख लेंगे। आ जा बेटा आ जा। तो भाई भल्लाल दे वाली गदा बहुत तगड़ी है, एक एक में ही कहीं कहीं जाना है। आ जा आ जा, ये 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 अच्छा जी भाई से पंगा ले। चल निकल, आप पीछे से तीर कहाँ से आ रहे हैं? रुक जा रुक जा, पीछे से आ जाए कहीं से तीर, काफी ज्यादा। ये हो गया, अपने साथियों की मदद करते हैं। बढ़िया बढ़िया, स्टैमिना नहीं बचा अपने में, लेकिन फिर मदद करेंगे हम। हेल्थ लगा ले थोड़ी सी या फिर। यो भाई साहब, भाई साहब अकेला ही लड़ रहा था उसे, भल्लाल देवाली गदा है। खत्म भाई, चलो चलो चलो। ओ भाई ज्यादा गंदा वाला बजिया मैं तो। और मत सारे का सोता है तेरी बहन का। भाई बाहुबली वाला सीन चल रहा है तो कतई। जो फेंक दे भाई साहब, लेकिन हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम होगी, हम बाहुबली नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यो गए दो, अरे गार्ड बनेगा तू है? क्या गार्ड बनेगा रे तू? अरे मंजरियों ने भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही तकड़ा गार्ड है। गलती होगी भैया, गलती होगी मेरे से। अरे रुक जा शांति पकड़ ले साले। चल साले तू बना का गार्ड। यो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आजा बेटा तू, तेरी बात नहीं अब। लेकिन यार ऊपर से तीर काफी बजट लग रहे हैं। अरे यार तीर जो भाई बहुत ज्यादा ऊपर है, भगना पड़ेगा यहाँ से तो। भाई बम बस आए तीर के नाम पे। यहाँ से थोड़ी चतुर्वेदी ले लें, उससे थोड़ी बहुत हेल्थ रिस्टोर हो जाएगा। एक सेकंड जाना कहाँ है अभी, 62 मीटर। इसको तो नीचे जाना है। अरे भाई यार चढ़ क्यों जा भाई, तू जा जा सी बात पे। चलो 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 चलो, गेट तोड़ते हैं। चलो भाई टूट गया गेट, आ जाओ यहाँ से। थोड़ी बंदे आ पाए थे, शिवाड़ खोल दिया। बाहुबली देख कर बना कर कितना गेम।
ठीक बाहुबली जैसे सीक्वेंस है मतलब थोड़े बहुत भाई ने बोल दिया जय महिष्मती अब हमला करेंगे। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही तकड़ा बोल रहा है भैया। मैं जा रहा हूँ भाई साहब मैं जा रहा हूँ मैं बस किवाड़ खोलूंगा बाकी मैं सैनिक आपको संभाल लेंगे। चल तू ही बड़ा बदमाश है हैं? ऐसे भाई रास्ते में सबको ठिकाने लगाता जाऊं मैं। चल तू चल आगे चल के देखा भाई यहाँ पे कौन है अपनी टीम का दूसरी टीम का। ये सही है ऐसे घुमाते घुमाते ना भल्लाले वाली गदा को हेल्थ भी मतलब स्टैमिना भी कम नहीं होता और डैमेज भी अच्छा खासा मिला है इसे देखते हैं। अंदर चल के देखा भाई क्या सीन है यहाँ इसका लोंडा चैलेंज करता साले इसका पीछा करना पड़ेगा भाई इस पे चढ़ के यहाँ से गया ना एक सेकंड काला काला क्यों गया सब आयो निकल गया इतनी देर में। His father dies twice today. तो भाई अभी हमारी हाल फिलहाल में सीगर्ट से बात हुई थी और हमने तो बताया कि भाई वो तो भग गया तो इसने कही है कि उसके मतलब बाप तो मर गया और उसका जो क्लैन है जो उसके जितने भी योद्धा हैं वो सारे मर गए तो लेकिन हमारा जो हमने कही है कि एक बिना दांत वाला भेड़िए का बच्चा भी एक बड़े भेड़िए में कन्वर्ट हो सकता है इसलिए वो ऐसा भी भगा नॉर्थ की तरफ है जहाँ पर हमारी एक राय से दोस्ती नहीं हो रखी है अभी अभी जिससे हुई है उसके पास भगा है वो क्योंकि उसे शायद से पता नहीं अभी अपनी दोस्ती के बारे में। खैर देखते हैं क्या होता है आगे लेकिन अभी तो इसने कही है कि सेलिब्रेट करो मजे लो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मिलेंगे अगली वीडियो में।